हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं केवल जय कुमार की बुक है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। और ये जो बुक है दोस्तों मैंने अमेजोन से मंगवाई है और ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर है। ये दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाती है, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी। इंग्लिश का जो वर्ज़न है वो मेरे पास पहले था और लेकिन अभी इनका नया वर्ज़न आया है और इसके अंदर क्या है कि हिंदी में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर और क्या हमें मिलता है। इसका रेट मेरे को अभी ध्यान में नहीं है क्या था इसका, चलो हम देख लेते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ पाएगा, इसका जो रेट है वो लिखा हुआ होगा। तो ये देखिए दोस्तों, भारत में जनसंचार केवल जय कुमार की ये बुक है और हिंदी अनुवाद है श्री अमिताभ श्रीवास्तव, इस पर लिखा हुआ है। और इसका मैंने जैसे बताया कि इंग्लिश वर्जन है वो भी आप देख सकते हो, ये हिंदी वर्जन है। और ये दोस्तों काफ़ी अच्छी बुक बताई गई है, इंग्लिश वर्जन मैंने इसका पढ़ा था, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है। अगर इसके हम रेट की बात करें तो 318 रुपये इसका रेट है और इसका जो MRP रेट है वो 268 रुपये है दोस्तों, और जो शिपिंग चार्ज वगैरह लग के मेरा 318 रुपये में पड़ा है। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जैसे ऑनलाइन मंगवाया है, अगर आप किसी बुक सेलर से ये ख़रीदते हो तो आपको 268 जो इसका MRP रेट है उससे भी कम रुपये में ये आपको मिलेगी। लेकिन जो अमेजोन वगैरह होता है उसके ऊपर ये प्रिंट रेट देते हैं तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैंने मेरे शहर के अंदर देखा था, बुक सेलर के पास ये जो बुक है वो नहीं थी, तो इसलिए मेरे को मजबूरी के अंदर ये इंटरनेट से ऑनलाइन मंगवानी पड़ी थी। तो दोस्तों इसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्या इसके अंदर वही सिलेबस दिया हुआ है, वही पैटर्न है जो इंग्लिश में दिया है या अलग है, वो हम इसमें देख लेते हैं थोड़ा, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या है इसके अंदर। संचार सिद्धांत एवं परिचय। अब देखिए दोस्तों मैं इंग्लिश बुक है वो भी आपको दिखाता हूँ और हिंदी की जो बुक है ये इन दोनों को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया केवल जय कुमार। और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर और उसके अंदर क्या डिफरेंस है। इसके अंदर जो दिया है कंटेंट दिए हैं, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन थ्योरी दी है इसके अंदर। और तो दोस्तों इन दोनों बुक के अंदर मैंने देखा है कि जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम सिलेबस दिया है। इंग्लिश के अंदर जैसे कम्युनिकेशन एज ए सोशल साइंस ये इसमें हिंदी में दिया है, यानी कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जैसे कि इसके अंदर दिया है मास मीडिया हिस्ट्री प्रैक्टिस वैल्यू इस तरह की ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। यानी कि अगर डिफरेंस की बात करें तो केवल और केवल इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, आप उस हिसाब से मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, हम उसी तरह की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन है वो अच्छे से मिल सके। और दोस्तों एक बात और कि ये जो बुक है, इन दोनों बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये बुक है परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू।